नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 13 मार्च शिक्षा विभाग व रोजगार समाचार के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा आप हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के साथ यह वीडियो। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर, 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की होगी पदोन्नति, वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति के बाद रिक्त हो जाएंगे 23,000 पद। उदयपुर से शिक्षा विभाग में जो है लंबे समय बाद सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का जो रास्ता खुला है, इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। अब इस वर्ग के शिक्षकों की जो शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल जाएगा। पदोन्नति से क्या होगा, बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी भी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। विभाग ने बकाया पदोन्नति के लिए 47,000 वरिष्ठ शिक्षकों की 3 शिक्षा सत्रों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। इसमें से करीब 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति होने की संभावना। यदि इनको व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया जाता है तो सेकंड ग्रेड शिक्षकों के इतने ही पद रिक्त हो जाएंगे। पहले से ही 13,000 पद रिक्त चल रहे, ऐसे में रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो 23,000 हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के इतने सारे पद इसमें रिक्त होंगे डीपीसी होने पर। इधर बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थिति की, तो आप देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षा में इतने पद स्वीकृत है कार्यरत और रिक्त पद, और माध्यमिक शिक्षा में आप देख सकते हैं इस आधार पर नहीं हो पाएगी थर्ड ग्रेड की डीपीसी। यहाँ पर यह भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। यहाँ पर जो 70,000 पदों पर वित्तीय बजट के तहत घोषणा की गई थी, उसमें से इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 1220 चिकित्सा अधिकारियों को भर्ती के लिए दी वित्तीय स्वीकृति। कल की अपडेट यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 70,000 सरकारी नौकरी देने की बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के क्रम में चिकित्सा अधिकारियों के 1220 रिक्त पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति देकर युवाओं को तोहफा दिया है। 1220 चिकित्सा अधिकारियों को भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। 70,000 पदों की जो वित्तीय घोषणा की गई थी बजट घोषणा के तहत, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर। यहाँ पर कल तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 5,388 पदों पर होगी भर्ती जूनियर और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पूछे गए सवाल और जवाब के लेकर आपत्ति भी मांगी है। इसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपये फीस देकर के 14 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और इधर परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली अपडेट यहाँ पर आरपीएससी से संबंधित है। आरपीएससी 2 भर्तियों की काउंसलिंग हो चुकी, 2 के इंटरव्यू चल रहे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में अटकेगी 4 भर्तियों के 1295 पदों की नियुक्तियां। अजमेर राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली, ऐसे में आयोग की हॉस्पिटल केयर टेकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारी भर्तियों के परिणाम आने के बावजूद 1295 नियुक्तियाँ अटक सकती है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में या इसी माह में कह सकते हैं आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ रही है। अभी 4 प्रमुख भर्तियां अंतिम दौर में, इन भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी किए जाने हैं। आयोग परिणाम जारी कर देगा, लेकिन संबंधित विभागों में चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति आचार संहिता में नहीं मिल पाएगी। आप देख सकते हैं ये 4 भर्तियां, हॉस्पिटल केयरटेकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, JLO और पशु चिकित्सा अधिकारी। इधर अगली अपडेट आरपीसी से जुड़ी, यहाँ पर आयोग की तैयारी पूरी, SOG की रहेगी नज़र, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन PTI की हिंदी परीक्षा 17 को। अगली खबर यहाँ पर आरपीएससी संबंधित, JLO के 3rd चरण के इंटरव्यू शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग में जूनियर लीगल ऑफिसर यानी JLO पदों के लिए मंगलवार से यानी कि कल से 3rd चरण के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। आरपीएससी में चल रहे पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के साक्षात्कार, भावी पशु चिकित्सा अधिकारी से पूछा खुरपका मुखपका का जो उपचार कैसे करेंगे, तो ये आरपीएससी से संबंधित जो इंटरव्यू चल रहे हैं। इधर स्कूल लेक्चरर संस्कृत 1 अभ्यर्थी मुख्य सूची में प्रतिस्थापित हुआ है। यहाँ पर
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 संस्कृत विषय से संबंधित यह अपडेट है। और यहाँ पर कॉलेज लेक्चर अभ्यर्थियों की मांग, हमें चुनाव एग्जाम में व्यस्तर का आगे खिसकाएं परीक्षाएं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही मांग, आरपीएससी की विषयवार परीक्षा 17 मार्च से 2 जून तक तय। राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा तिथि खिसकाने को लेकर स्कूली शिक्षा ने कार्यरत अभ्यर्थियों ने जो है मोर्चा खोल दिया। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर सरकार के सामने पीड़ा मुखर की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आगे ये परीक्षाएं खिसकाई जाए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जेट के ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से, परीक्षा 2 जून को। पीटीटी स्टूडेंट को लाखों रुपए का रिफंड नहीं, कॉलेजों को भी 18 करोड़ की फीस नहीं लौटाई। जीजीटीवी बांसवाड़ ने करवाई थी पीटीटी रिफंड में ढिलाई से रोष। और इधर देखें तो पीरी डीएलएड 2019 से 2022 तक के अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड होंगे, ये यहाँ से अपडेट है। साइंस के शिक्षक भी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान। राज्य के 1126 स्कूलों में कृषि संकाय 3 ऐच्छिक विषयों पर एक पद मंजूर, उनमें भी 58% है खाली। एमजीएस यूनिवर्सिटी यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं कल से महाराजा जो है गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से, यह अपडेट। इधर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में 57 अभ्यर्थियों को मिली अनुकंपा नियुक्ति। शिक्षा विभाग में 57 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एसआई ने कांस्टेबल बहनों को थानेदार बनाने को जो है रचा षड्यंत्र। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 संबंधित, विभाग की 2-3 महिला लेक्चरर को डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठाया, भाई और बहन गिरफ्तार। 15-15 लाख लेकर लेक्चरर ने 2 ममेरी बहनों की जगह परीक्षा दी, दोनों का चयन। ये आप देख सकते हैं एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी अपडेट है। इधर द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2014 में नकल करवाने का आरोप, पेपर लीक में 7 साल निलंबित रहा शिक्षक, फिर भी 17 लाख भुगतान किया, अब एसओजी में शिकायत। बीकानेर में दर्ज है मामला। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कानून की शिक्षा सिर्फ एफिलेटेड कॉलेज को ही भरोसे चल रहा है विश्वविद्यालय। लॉ यूनिवर्सिटी में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं, कैंपस में नहीं लगती क्लास, 18-20% छात्र हो रहे हैं फेल। इधर दिल्ली पुलिस में एसआई और सीआरपीएफ में भर्ती के आवेदन 28 तक, 4187 पदों के लिए इसमें भर्ती होगी और 28 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित 12,77,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रदेश के 100 कृषि कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेट 2 जून को, ऑनलाइन आवेदन कल से। और सीटेट के ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल तक। सीबीएसई 7 जुलाई को 136 शहरों में करेगी परीक्षा का आयोजन, राज्य के 7 शहर शामिल। इधर कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती पर स्टे लगाया, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती 2023 पर यथास्थिति के आदेश दिए। इसके साथ ही अदालत ने 14 मार्च को विभाग के ओआईसी को पेश होने के आदेश भी दिए हैं। राज्य मंत्री के साथ की गिरफ्तार के बाद एसीबी ने आरपीएससी की महिला मेंबर को रडार पर लिया था। पूर्व शेष की पत्नी पर कांग्रेस राज्य में कार्रवाई रोक दी थी, अब 8 माह बाद आरई से पूछताछ शुरू। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर भेजे प्रस्ताव, 4 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मामला, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने की कवायद। तो साथियों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।